यार मेरे फिर को पहचाना नहीं, कमान यार कैसे चल रहा है, कहाँ तक पढ़ाई किया था? दोस्त मैंने इंटर तक पढ़ाई किया, उसके बाद फिर खेती बाड़ी के चक्कर हो गया। Yeah.
छोटी मुंह बड़ी बातें जमीन पर रहकर आकाश की खबर देखते हो, भाई विश्वा भर में नाम किसकी पा लगा के हराम हो गया दुनिया का निकाल लेते मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। ए रामलाल आओ हम लोग मरने के लिए आ जाओ। ए पुत्र अरे अरे चुड़ैल के लिए जा रहा है ये कह रही हूँ चुड़ा जाएगा मेरी बात नहीं है कही थी अपनी औकात में आ जा बहुत हो गया मेरे सवालों का जवाब दे। मैं सबसे पहला सवाल ये है कि तेरे को किसने आदेश दिया यहाँ पे आने के लिए, तू किसके परमिशन से यहाँ पे आई है? अपनी हवेली में आने के लिए मुझे किसी की इजाजत लेना पड़ेगा? शादी करके कोई भगा करके नहीं है सावित्री, हवेली के अंदर कुछ ऐसी जगह भी होती है जहाँ पे नारियों का जाना वर्जित माना जाता है और कुछ ऐसी भी जगह होती है जहाँ पर मर्द लोग भी नहीं जा सकते हैं। शेरों के पंचायत में लोमड़ियों को बोलने की अनुमति नहीं मिलती है। जब दो जमींदार आपस में बैठ करके कोई मतदान करते हैं तो वहां पे नारियों की परछाई भी नहीं पड़ती है और तू सारी जमींदार राणा सिंह की पत्नी होकर के मेरे से बाहर निकल करके चौपाल में आकर के मुंह खोल करके बात कर रही है। मेरे लिए बारात लेकर के तेरी हवेली ले आऊंगा और बाप लोगों से ही बेटी पत्नी भूख बना करके अपने मेहते भर ले आऊंगा। दोस्त
तुमने हमारी बेटी का रिश्ता पक्का करके हमारे साथ में बहुत बड़ा उपकार किया। अरे तू कर रहा है जो तेरी बेटी मेरे को मिल रही, भगवान ने मेरे कोई बिटिया नहीं दिया, अपन मेरे को दहेज नहीं चाहिए। तू जानता है कि मैं कैसे खरीद रहा हूँ? इस हिमाचल प्रदेश के अंदर मेरी बराबरी का कोई भी लैंड ऑनर नहीं है, कोई भी मेरी बराबरी का खरीदार नहीं है। मेरे को पैसा दौलत नहीं चाहिए, सिर्फ दहेज में तेरी बेटियाँ चाहिए। मुझे मालूम है कि आपके पास ऊपर वाले ने सब कुछ दिया है। आने वाली 15 तारीख को आप अपनी बेटी की बारात लेकर आए और हमारी बेटी को बहू बना करके ले। ये आप क्या कर रहे हैं? मेरी औरत ने जो कुछ आकर के यहाँ पे करती है किसी और के सामने मत कर देना, नहीं तो मेरे इज्जत का सहारा निकल जाएगा। तुमको जानता ही है नलायक कैसी लड़की थी, अब मैं क्या करूँ? ये सारी दो बच्चे की माँ है, अगर फिर के अंदर बात भी करता हूँ तो घर के लोग यही, गाँव के लोग यही कहेंगे कि जमींदार को देखो जो अपना खरीदे सामान का तो वो कस्टमर क्या करेगा। मैं तो दोनों तरफ से मारा जाता हूँ भैया, किसी से मत देना। और कोई कमी नजर आए किसी को भेज देना, मैं पूरा कर दूंगा, कोई बात नहीं है। क्या बोलते हैं उसको, क्या नाम है उसको, चुपड़ा करके ले आओ। तुम यहाँ से तुम्हारा एक काम होगा, मैं अपने बेटे मंजीत की शादी घाटमपुर के जमींदार प्रताप सिंह की बेटी प्रिया के साथ कंफर्म कर दिया है। आने वाली 15 तारीख को मेरे को बारात लेके यहाँ से जाना है और तुम्हारा ये वाउच चेक होगा, तुम्हारी फॉर्मेलिटी होगी कि हमारे गाँव लोग के अंदर जा करके एक ही रूम में हमारा इन्विटेशन कार्ड दे दो और जवानी कह देना की बड़े बाबू ने सबको एक तरफ से बुलाया है, कोई भी बच्चा नौजवान बुरा नहीं चुन रहा, सब लोग आएंगे, सबको खाना मिलेगा और सबको सम्मान मिलेगा। अगर एक ही घर चुनता तब तो मैं इसकी बात होगा समझ लेना, लेकिन एक बात का डर मेरे को सता रहा, अगर मैं इस बरात में नवरात को नहीं ले जाता हूँ तो वहां पर कई प्रांत की जिम्मेदारी इकट्ठे रहेंगे। अगर किसी ने साथ करके मुझसे पूछ लिया कि साहब आपका बड़ा बेटा बरात में क्यों नहीं आया, तो मैं क्या कहूंगा? इससे नवरात को कह रहे हैं कि साहब वो भी बरात में चलेगा, लेकिन जाने के बाद कोई गुंड नहीं अपन नहीं बात किया तो बराती के सामने पीते चलाऊंगा, ये मुझे बता देना। इतने दिन के बाद देवता खा कर ली, लंबा दार किया विवाह हुई, अब वही हमार है, उलझ रात पूरी खा, पूरी कम खा कच। अपन दोस्ती की भाव
दान का बेटा कहीं देखा था लंबा टाइम नहीं अच्छा क्या है और अगर छड़वा बेटा बड़वा बेटा कुमार घूम बताया तो कैसे शादी कर लिए मेहरबान जैसा खुद पता हुआ हुआ था भैया जाना कहा गाँव वाले मेहरबान जानता था।